चलिए आपको बताते हैं अमृता का फिल्मी सफर कैसा रहा है। फिल्मों में साफ सुथरी छवि से दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही अभिनेत्री अमृता राव ने 2016 में शादी कर अपना घर बसा लिया था। 7 साल के इश्क विश्क के बाद अमृता राव ने आरजे अनमोल से शादी कर ली थी। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अपनी शादी को लेकर अमृता ने कहा था, रिलेशनशिप को 7 साल हो गए हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला। हमारी बेहद छोटी वेडिंग सेरेमनी हुई जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही शामिल हुए थे। अब बात करते हैं अमृता के फिल्मी सफर की। उन्हें फिल्मों में बोल्ड सीन्स करना पसंद नहीं है। अमृता ने शुरू से ही फिल्मों में बोल्ड सीन, किसिंग सीन, इंटीमेट सीन, बिकिनी और छोटे कपड़ों वाले सीन नहीं किए। अमृता को यशराज फिल्म से एक फिल्म का ऑफर आया था जिसमें अमृता के ऑपोजिट रणबीर कपूर को कास्ट किया जाना था। फिल्म के एक सीन में अमृता को रणबीर को किस करना था, लेकिन इस सीन के लिए अमृता ने मना कर दिया और जब उनकी ये शर्त नहीं मानी गई तो उन्होंने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। सिंपल ब्यूटी माने जाने वाली अभिनेत्री अमृता राव अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद कपूर के साथ फिल्म विवाह में नजर आई अमृता राव को ये फिल्म 4 घंटे के इंटरव्यू के बाद मिली थी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अमृता से मुंशी प्रेमचंद की एक किताब पढ़ने के लिए कहा था। सूरज बड़जात्या दरअसल अमृता की हिंदी चेक करना चाहते थे। शाहिद के साथ अमृता की ये फिल्म सफल साबित हुई। बताया जाता है कि अमृता ने सलमान खान के साथ काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें सलमान की बहन का किरदार ऑफर हुआ। दरअसल अमृता राव को सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की हीरोइन नहीं बल्कि बहन के किरदार का ऑफर आया था जिसे अमृता ने मना कर दिया और बाद में वो किरदार स्वरा भास्कर के हाथ आया। अमृता ने अपने करियर में जितनी फिल्में नहीं की उससे ज्यादा वो फिल्में रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो बॉलीवुड की ऐसी ही खबरें, फिल्मी गलियारों की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।